नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारों से सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और खबर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है और लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ानी है, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ानी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की बगावत अब कई कदम आगे जा चुकी है। उनकी नाराजगी पहले बगावत में बदली, ऐलान किया कि अपने दो उम्मीदवारों को उतारेंगे, शिवहर से उम्मीदवार उतारेंगे और जहानाबाद से उम्मीदवार उतारेंगे, और सिर्फ उम्मीदवार उतारेंगे नहीं, उनके पक्ष में प्रचार भी करूंगा, नामांकन में भी शामिल होऊंगा। और तेज प्रताप की नाराजगी और बगावत अब कई कदम आगे बढ़ चुकी है और अब जो खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही है कि तेज प्रताप सिर्फ दो सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे, बल्कि बिहार की 20 लोकसभा सीटों पर तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि 20 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने जा रहे हैं। यानी बिहार की 20 लोकसभा सीटों पर तेज प्रताप यादव अपने पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, उनका समर्थन करेंगे और उनका प्रचार करेंगे। जाहिर है जब तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के उम्मीदवारों के खिलाफ 20 उम्मीदवारों को उतारने का मन बना लिया है, उतारने का ऐलान कर दिया है, और जब ये खबर आ रही है तो जाहिर है खुली बगावत कर दी है तेज प्रताप यादव ने, और कह सकते हैं कि लालू परिवार में बड़ा विद्रोह तेज प्रताप यादव का, और तेज प्रताप यादव ने मुश्किल बढ़ा दी है लालू परिवार की, आरजेडी की, और कम से कम तेजस्वी यादव की, क्योंकि तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन को, और 2020 में चुनाव भी है, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तेजस्वी यादव को, लड़ाई एनडीए से है, एनडीए जैसे बड़े राजनीतिक खेमे से लड़ना है तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को। और तेजस्वी यादव की लड़ाई सिर्फ महागठबंधन से नहीं हो गई है, बल्कि अब उनको तेज प्रताप यादव से भी लड़ना होगा, इस बड़े विद्रोह से लड़ना होगा, बागी हुए तेज प्रताप यादव से लड़ना होगा, और तेजस्वी के उम्मीदवारों को तेज प्रताप के उम्मीदवारों से लड़ना होगा। यानी तेजस्वी बनाम तेज प्रताप हो गई है बिहार की लड़ाई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी खबर है और कितना बड़ा विद्रोह है लालू परिवार के अंदर, आरजेडी के अंदर, और किस तरीके से तेजस्वी यादव की राजनीतिक राह मुश्किल हो गई है तेज प्रताप यादव की वजह से। कभी तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं तेजस्वी का कृष्ण हूं और अपने अर्जुन को बिहार का सीएम बनाऊंगा। कृष्ण जब सारथी की भूमिका में होता है तो अर्जुन को लक्ष्य तक पहुंचाता है, लेकिन कृष्ण ने रथ का पहिया दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया है, और जिस रास्ते पर मोड़ा है तेजस्वी का वो मुकाम नहीं है, यानी कि कृष्ण बागी हो चला है और अपने अर्जुन की राह मुश्किल कर चला है। तो सबसे बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों के लिए कि तेज प्रताप यादव ने खुला विद्रोह कर दिया है और बिहार के 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रहे हैं, यानी आरजेडी के 20 उम्मीदवारों के खिलाफ तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनका समर्थन करेंगे और उनके समर्थन में प्रचार करेंगे। तो तेज प्रताप यादव का खुला विद्रोह, लालू परिवार में बड़ा विद्रोह, तेजस्वी की बढ़ती मुश्किलें और खुद मुश्किलें बढ़ा दी है तेज प्रताप यादव ने, जो कभी कहा करते थे कि मैं तेजस्वी का कृष्ण हूं, तो कृष्ण ने अपने अर्जुन की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो इस खबर में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।